पाठ दो, भारत की सांस्कृतिक विरासत, जिसमें परंपराएं, हस्तकला अर्थात हाथों के द्वारा बनाए जाने वाली कला, और ललित कलाएं अर्थात जिसे मन और भावों के द्वारा समझा जा सके। तो पाठ दो, भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराएं, हस्तकला और ललित कलाएं, यह इतिहास का दूसरा पाठ है। भारत समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला देश है, जिसमें दो विरासत का समावेश किया जाता है, भौतिक विरासत और जैविक विरासत। हम समझते हैं जैविक विरासत की परिभाषा, बालक को जन्म के साथ ही माता पिता के शारीरिक और मानसिक लक्षण प्राप्त होते हो अथवा मिलते हैं, उसे जैविक विरासत के रूप में हम जान सकते हैं। अर्थात जैसे ही बच्चे का जन्म हो, उसका शारीरिक और मानसिक लक्षण किसके द्वारा मिले? माता पिता। शारीरिक लक्षण अर्थात लंबा, मोटा, पतला, गोरा, काला, ये शारीरिक लक्षण। मानसिक, बौद्धिक तीव्रता, मंद बुद्धि इत्यादि चीजें प्राप्त हो तो उसे हम जैविक विरासत कहते हैं। दूसरा, घर, जमीन, जागीर, स्थावर जंगम संपत्ति विरासत के रूप में मिले तो उसे भौतिक विरासत कहते हैं। अर्थात भौतिक अर्थात धन दौलत, सोना चांदी, जमीन इत्यादि चीजें मिले तो उसे हम भौतिक विरासत कहते हैं। यहाँ पर एक सांस्कृतिक विरासत की परिभाषा आप देखेंगे, जो आप पहले पाठ में भी देख सकते हो या देख सके हैं, पढ़ चुके हैं। मनुष्य अपनी योग्यता, बुद्धि, शक्ति, कला, कौशल। मनुष्य अपनी योग्यता, बुद्धि, शक्ति, कला, कौशल द्वारा जो कुछ प्राप्त करता है या सर्जन करता है, उसे सामान्य रूप में सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। भारत विश्व का प्राचीन देश है। प्राचीन भारत की 64 कलाएं, जिसमें हस्तकला, कारीगरी, कला बतू हुनर अर्थात जरी काम जो साड़ी में किया जाता है, चित्र, संगीत, नाट्य कला, नृत्य कला आदि को गिना जा सकता है। इसी तरह हमारे देश में समग्र विश्व में 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह हमारे देश का योग है, जिसे पूरे विश्व में 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हस्तकला में पहली कला है मिट्टी काम कला। मानव जीवन और मिट्टी के बीच बड़ा ही प्राचीन संबंध रहा है। व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा मिट्टी से जुड़ी रहती है। अर्थात व्यक्ति जब जन्म लेता है, तब वो खेलने कूदने के लिए मिट्टी का ही उपयोग करता है, जमीन पर ही, धरती पर ही खेलता है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मरने के बाद उसका शरीर मिट्टी धरती में मिल जाता है। इसीलिए कहा गया है कि व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा मिट्टी से जुड़ी रहती है। धातु की खोज जब नहीं हुई थी, तब मनुष्य अधिकांशतः मिट्टी से बनी वस्तुओं का उपयोग करता था, जैसे मिट्टी के खिलौने, मटके, कुल्हड़, दिए, मिट्टी के चूल्हे, अनाज संग्रह करने की कोठी इत्यादि का समावेश होता है। उस समय घर की दीवारों को भी मिट्टी और गोबर से लीपकर सुरक्षित रखा जाता था। इसके अलावा पानी, दूध, दही, छाछ और घी जैसे द्रव पदार्थ भी मिट्टी के बर्तनों में रखे जाते थे। रसोई घर के बर्तन भी मिट्टी के होते थे। लोथल, मोहेजोदड़ो और हड़प्पा जैसी संस्कृति के समय मिट्टी के लाल रंग के प्याले, मर्तबान, रकाबी आदि बर्तन मिले हैं। कुम्हार के चाक को मिट्टी के काम के लिए प्राचीन भारत का प्रथम यंत्र माना जा सकता है। आज भी नवरात्रि में गरबा के समय छिद्रों वाला मिट्टी का घड़ा उपयोग किया जाता है, जिसके अंदर दीपक को प्रज्वलित किया जाता है, ऐसा देखने को मिलता है। कच्ची मिट्टी और कच्ची मिट्टी से पकाए गए बर्तन को टेरा कोटा के नाम से जानते हैं, और ऐसे बर्तन तथा वस्तु का उत्पादन करने के लिए भारत प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है, जिसका प्रमाण सबूत हमें दक्षिण भारत के नागार्जुन कोंडा और गुजरात के लागणज अर्थात महेसाणा में से मिले हाथ से बने मिट्टी के बर्तनों के
पुराने अवशेषों के आधार पर मिलता है।